हंसाती भी है और थोड़ा एंटरटेन भी करती। आयुष्मान का काम कैसा है? बहुत अच्छा, वंडरफुल। अभी ये और मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग भी है, वो कैसा लगा? मलाइका अरोड़ा बाबा, मलाइका अरोड़ा तो नोरा फतेही को दे रही है टक्कर। आप इस उम्र में भी इतनी हॉट लग रही है यार, मतलब जब वो गाना आया ना, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आंखें बंद कर ले। बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस मीडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं डिलाइट सिनेमा पे, जो कि जीबी रोड पे स्थित है, और आज हमने मूवी देखी है एन एक्शन हीरो आयुष्मान खुराना स्टारर। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पब्लिक रिव्यू के लिए और जानते हैं कि पब्लिक की क्या राय है एन एक्शन हीरो मूवी को लेकर। अच्छी मूवी देख के आए हैं? एक्शन हीरो कैसे लगी? एक्शन हीरो अच्छी मूवी थी। आयुष्मान का काम कैसा है? अच्छा था, उसकी पहली एक्शन मूवी थी तो अच्छी लगी। तो गाने कैसे हैं? गाने ठीक ठाक। मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग कैसा लगा आपको? काफ़ी हद तक सही था। बढ़िया था, मज़ा आ गया? हाँ। कितने स्टार दोगे मूवी को? 4। मसाला फिल्म है, दर्शकों को जो मनोरंजन चाहिए वो मिलता है इसके अंदर। एक्शन नाम है तो एक्शन खूब है, और खास बात यह है कि आयुष्मान खुराना जो है एक्शन में भी परफेक्ट होता जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। क्या लग रहा है सर, किस प्रकार की जनता को ये मूवी अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी? फिल्म तो फिल्म होती है, उसी हिसाब से लोग देखते हैं। जो आने वाली पीढ़ी, लड़के जवान बच्चे, वो पढ़े पसंद करेंगे, गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा हो रहा है। कहानी कैसी सर मूवी की, और गाने? औसत दर्जे। और डायरेक्शन? नहीं, एक्शन में डायरेक्शन अच्छा है। अच्छा, और मनोरंजन है फिल्म में, लोग देखेंगे ऐसा मुझे लगता है। 5 में से कितने अंक? 3 अंक मिलने। धन्यवाद। ठीक ठीक लगी मूवी। आयुष्मान का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम लगा। और सबसे बढ़िया क्या लगा मूवी में? वो जाट की एक्टिंग अच्छी लगी, और आयुष्मान की दो ही थे बस मेन। गाने कैसे हैं? गाने ठीक ठीक हैं, एक ही गाना था, एक आध गाना था, ठीक ठीक था। क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा इस मूवी का? ठीक ठीक कर पाएगी, ऐसा कुछ खास नहीं। खास नहीं। और डायरेक्शन कैसा है? बढ़िया। मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग कैसा लगा? ठीक ठीक लगा। ठीक ठीक लगा। कितने स्टार दोगे? 3.5। धन्यवाद। हाँ सर, कौन सी मूवी देखी आज आपने? अभी देखी एक्शन, एन एक्शन हीरो। अच्छा, कैसी लगी एक्शन हीरो? परफेक्ट आई थिंक, बहुत जबरदस्त मूवी है, और आयुष्मान इज द आई थिंक लेटेस्ट राइजिंग स्टार, और बहुत जबरदस्त रोल करा है इनका। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड तो मतलब छा गए हैं ये पूरी मूवी में। हाउ आर द सॉन्ग्स? सॉन्ग्स आर गुड, एंड आई थिंक इसका पार्ट 2 लग रहा है मुझे। अच्छा। जो एंड में इन्होंने दिखाया ना नोरा फतेही को, तो मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 आएगा इसका, दिखा रहे हैं। जयदीप अहलावत की एक्टिंग कैसी लगी आपको? गुड, वेरी गुड, वो तो जबरदस्त, आई थिंक सुपर, सबकी एक्टिंग और जो है ना मूवी बहुत फंटेस्टिक, बॉक्स ऑफिस हिट होगी, बहुत जबरदस्त मूवी है। मलाइका अरोड़ा का इस मूवी में आइटम सॉन्ग भी है, वो कैसा लगा आपको? मलाइका अरोड़ा का मतलब मुझे याद है कि वो ट्रेलर में उसको देखा था, एंड आई थिंक शी इज हैविंग अ न्यू इनिंग्स इन लाइफ। अच्छा, तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट आउटफिट, एंड यू नो वो ठीक है। और एक हमारे बहुत ही उमदा कलाकार का कैमियो रोल भी है इसमें, उनका काम कैसा लगा? नाम रिवील किए बिना बताइए उनका काम कैसा लगा। नहीं, इसमें जो एवरीबॉडी इज जस्ट फंटेस्टिक, जो एक बहुत पुराने हीरो भी थे कादिर के रोल में, उनका भी बहुत अच्छा था, एंड एवरीबॉडी इज फंटेस्टिक मूवीज, आई थिंक सुपर 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 हिट। कितने स्टार देंगे सर 5 में से? इसमें तो 5 के 5 बंदे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, कौन सी मूवी देखी आज? भाई आज मैंने देखी आयुष्मान खुराना स्टारर एक्शन हीरो। कैसी लगी एक्शन हीरो? यकीन नहीं हुआ, मतलब कि यार आयुष्मान खुराना एक्शन में भी इतना अच्छा कर सकता है। मतलब मुझे अनेक के बाद से आयुष्मान से नफरत हो गई थी कि ऐसी फिल्में क्यों सिलेक्ट कर रहा है। मतलब फिर मुझे लगा ये अनुभव सिन्हा की फिल्म थी अनेक, इसलिए शायद थोड़ी कमी रह गई होगी। फिर डॉक्टर जी आई तो दोबारा विश्वास उठ गया, विश्वास जो है बन गया, क्योंकि आर्टिकल 15, डॉक्टर जी, ये सब मैसेज वाली फिल्म थी जिसमें बहुत अच्छे से इन्होंने प्ले करा, और यार एक्शन फिल्म में भी खेल गया, तो मतलब बहुत शॉक्ड हूँ मैं कि एक एक्टर में इतनी क्वालिटी है। जयदीप अहलावत जी का काम कैसा लगा? वो तो ऑल टाइम फेवरेट एक्टर है यार, ये लोग ऐसे एक्टर होते हैं जो ज़मीन से उठ के आते हैं, और ये कभी भी, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत फेमस नहीं होते क्योंकि इन लोगों को फुल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन जितना कर पाते हैं उतना धमाल कर देते हैं। और आपने देख ही लिया होगा, हरियाणवी के इन्हें भोजपुरी बुलवा लो, इन्हें मराठी बुलवा लो, इन्हें गुजराती बुलवा लो, और इन्हें कोई भी लैंग्वेज बुलवा लो, कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा। मैंने एंड के सीन में उनकी मतलब लैंग्वेज को देखा, तो मतलब बहुत अमेजिंग मुझे उनका वो करदा लगा। और बाकी उनकी फिल्म पाताल लोक को, तो पाताल लोक के बाद से तो मतलब मैं उनका फ़ैन हूँ। गाने कैसे हैं मूवी के? गाने यार मलाइका आ गई यार, बाद मजा आ गया लग रहा है मलाइका को देख के। आप मलाइका मतलब भाई मुन्नी के बाद, मतलब मुन्नी बदनाम हुई के बाद से मतलब मैं आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हर,
और बस मैं पैप के साथ उन्हें चलते हुए देखता था जब वो जिम के बाहर निकलते थे, लेकिन इसमें यार मतलब अच्छा था ना, लेकिन मलाइका बेस्ट थी। कितने स्टार देंगे मूवी को और मलाइका के सॉन्ग को? भाई मैं देखो मलाइका का सॉन्ग तो चलो तो आइटम सॉन्ग है, वो तो यार चलता रहता है, लेकिन मूवी को मैं आई थिंक 3.5 to 4 स्टार दूंगा। एक स्टार इसलिए कट करूंगा क्योंकि जो है थोड़ा सा मुझे मतलब लव एंगल जो है थोड़ी सी उसमें कमी खोली, हालांकि एक्शन फिल्म में रोमांस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती नो डाउट, लेकिन आयुष्मान खुराना की एक्टिंग को मतलब 4 स्टार। फैमिली के साथ और बच्चों के साथ देखी जा सकती है मूवी? फैमिली की मुझे लग रहा है समझ आने वाली है नहीं थोड़ा, मतलब समझ रहे हो ये दिस इज़ फॉर यूथ और दिस इज़ फॉर मतलब यूथ के बाद जो एक जनरेशन होती है। फैमिली के साथ देख लो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है, लेकिन उन्हें समझ आई थिंक नहीं आने वाली, तो ये यूथ के लिए आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल। थैंक यू। हाँ जी सर, कौन सी मूवी देखी आपने? एक्शन एक्शन हीरो। कैसी लगी एक्शन हीरो? बहुत अच्छी मूवी है, अच्छी लगी काफ़ी। आयुष्मान के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपने उनकी शुभमंगल ज़्यादा सावधान और अभी जो आई थी फ़िलहाल उनकी जो चंडीगढ़ करे आज की थी उसको आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, तो ये मूवी कैसे आपको डिफरेंट लगी उनकी? देखिए जो आयुष्मान खुराना है मैंने पहली बार उनको इस सेगमेंट में काम करते हुए देखा है एक्शन मूवी में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने करा है इसके अंदर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आयुष्मान खुराना कभी एक्शन मूवी में देखा जा सकते हैं, बट हाँ बहुत अच्छी मूवी बनाई उन्होंने। इसमें कोई लव स्टोरी देखने को नहीं मिलती, बस एक्शन मूवी है, बट सस्पेंस और जो इसके अंदर एक हैप्पी मूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। गाने और डायरेक्शन कैसा है मूवी का? गाने और डायरेक्शन? गाने ज़्यादा है नहीं, मेरे को ज़्यादा लगी नहीं, बस मुझे एक आइटम सॉन्ग ही दिखाए, एक आध गाना हो गया होता होगा, बट वो ऐसे नहीं है कि आप सुन सकते हैं या फिर सुनना चाहोगे जैसे अरिजीत सिंह होता है और बाकी सब होते हैं, बट ठीक है गाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि कोई इसको देखे इतना, बाकी जो एक्शन लवर्स हैं वो ज़रूर देखें मूवी, बहुत अच्छी है। मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग कैसा लगा आपको? मलाइका अरोड़ा तो मलाइका अरोड़ा है यार, मलाइका अरोड़ा के तो आइटम सॉन्ग्स में मतलब वो लगती ही कातिल हैं, और इसमें भी वो कातिल ही लग रही है, और स्क्रीन पे देखने में तो और मज़ा आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कितने स्टार्स देंगे फिर पिक्चर को आप? मैं 4 स्टार देना चाहूँगा, अभी 1 स्टार इसलिए कम रखा है क्योंकि अभी उनकी पहली एक्शन मूवी है, ये और बेटर बना सकते थे, बट द थिंग इज इन्होंने इसके अंदर काम करके एक अपने लिए नई फील्ड खोल दी है बॉलीवुड में, चलो देखते हैं कैसा काम करते हैं आगे आयुष्मान खुराना जी। धन्यवाद। एक्शन हीरो कैसी लगी? एक्शन हीरो मूवी में कह सकती हूँ मुझे जो लगा कि मूवी कहीं कहीं भी स्लो थी, और एंड का पार्ट इंटरेस्टिंग है, वो देखने लायक है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में मूवी देख के आएगा कि एंड क्या होने वाला है, तो मैं कह सकती हूँ एंड का पार्ट इंटरेस्टिंग था, बट ऑल ओवर मूवी मुझे इतनी खास नहीं लगी। हाँ वन टाइम वॉच है, बट उससे ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं कि हाँ हम जाके पैसे खर्च करके देखें बार बार। आयुष्मान का काम कैसा और डायरेक्शन कैसा है मूवी का? आयुष्मान का काम ऑलवेज हमेशा ही अच्छा रहा है, बट शायद आई थिंक उनकी किस्मत नहीं चल रही क्योंकि अनेक फिर डॉक्टर जी दोनों ही फ्लॉप हुए और अब वो एन एक्शन हीरो के साथ आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी क्योंकि वो तो ऑल ओवर जनता पे डिपेंड होता है, बट मैं अगर अपना ओपिनियन रखूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म ये मतलब ये फिल्म भी इतना ज़्यादा चलने वाली है। बात रही डायरेक्शन की, डायरेक्शन कमाल था, डायरेक्शन लोकेशंस एक्टिंग कास्ट सब कुछ बढ़िया था, कहीं ना कहीं स्टोरी और थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है दर्शकों की बोरिंग है। जयदीप अहलावत जी का काम कैसा लगा? जैसे कि मैंने अभी बताया सारे स्टार कास्ट की एक्टिंग अच्छी थी, जयदीप भी मुझे बहुत अच्छे लगे, एटलीस्ट मैं मतलब शायद आप लोगों ने देखा होगा अभी, पहले मैंने नहीं देखा था जब इसके प्रमोशंस वगैरह हुए थे, मैंने देखा था कि वो बिग बॉस में भी आए हैं, तो मेरे को लगा कि शायद कुछ खास है जो मुझे ट्रेलर देख के भी लगा, और अब मैंने मूवी देखी तो हाँ एक्टिंग उनकी भी कमाल की है, और क्लाइमेक्स जैसे कि मैंने बताया एंड का एंटरटेनिंग है, तो वो भी बहुत अच्छा है। कितने स्टार देंगे मूवी को? 2.5। धन्यवाद। आज आपने मूवी देखी एक्शन हीरो, कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है, और फर्स्ट हाफ तो इस फिल्म का आपको सीट से चिपका देगा क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा क्लासी है, मतलब जैसे जैसे कैरेक्टर्स बिल्टअप होते हैं, आयुष्मान खुराना का जैसे जैसे दिखाया है भैया कि वो एक एक्शन हीरो है, और जयदीप अहलावत की जो एंट्री है भाई, फर्स्ट हाफ आपको कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, मतलब आपका सेकेंड हाफ देखने का मन कर ही जाएगा। आयुष्मान के अगर काम को देखा जाए तो आयुष्मान का काम कैसा लगा? देखिए
पिछले कुछ टाइम से आयुष्मान की किस्मत कह लीजिए या उनकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मूवीज़ कह लीजिए, ज़्यादा सही नहीं कर रहे थे। अभी डॉक्टर जी भी आई, उस वो बड़ी बुरी तरह पिटी, वो भी उसको भी लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर उससे पहले भी आर्टिकल, जो आर्टिकल सा कौन सी थी, आर्टिकल कोई आई थी एक फिल्म, आर्टिकल सत्रह शायद, पता नहीं क्या था, वो भी पिट गई। मतलब वो जो आई थी अभी चंडीगढ़ करे आशी की पिट गई। नॉर्थ ईस्टर्न को लेकर जो अभी बनाई थी अनुभव सिन्हा ने, वो भी पिट गई। तो पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी सोशल मूवीज़ कर रहे थे, बट ये एकदम से उन्होंने अपनी इमेज जो चेंज करने की कोशिश करी है, शायद उन्हें समझ आ गया कि भाई जनता को मसाला मूवीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है रैदर देन डूइंग सम सोशल वर्क। तो इस फिल्म में उनका काम, मुझे इमेज चेंजिंग जो उन्होंने करी है भाई, हैट्स ऑफ, अच्छा किया। अगर जयदीप अहलावत को कंपेयर करें आयुष्मान से, तो किसकी एक्टिंग ज़्यादा बेहतर लगी आपको? जयदीप अहलावत की एक्टिंग मुझे नेचुरल लगी, बेटर नहीं कहूँगा, नेचुरल कहूँगा, बिकॉज वो हरियाणवी ऑलरेडी हैं। पाताल लोक में उन्होंने वो किरदार प्ले किया हुआ है, जो उन्होंने इसमें हरियाणवी बोली है, तो वो बड़ी नेचुरल उनके मुँह से निकल के आई है, समझे? तो जयदीप अहलावत की एक्टिंग नहीं है, वो जयदीप अहलावत ही हैं बेसिकली। सो जयदीप अहलावत को हम कंपेयर नहीं कर सकते आयुष्मान से। आयुष्मान लेकिन आयुष्मान नहीं थे, आयुष्मान वॉज एक्शन हीरो, जयदीप अहलावत वॉज जयदीप अहलावत ओनली। सो जयदीप अहलावत तो अच्छे लगे, नेचुरली एक्टिंग कर रहे थे तो अच्छे लगे, वहीं आयुष्मान से बेटर मेरे को नहीं लगे जयदीप अहलावत, आयुष्मान ज़्यादा बेटर लगे, बिकॉज ही हैड टू एक्ट लाइक एक्शन हीरो। गाने कैसे लगे मूवी के, और मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग भी है, वो कैसा लगा? मलाइका अरोड़ा बाबा, मलाइका अरोड़ा तो नोरा फतेह को दे रही है टक्कर, आप इस उम्र में भी इतनी हॉट लग रही है यार। मतलब जब वो गाना आया ना, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आंखें बंद कर ली बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया गाना, मलाइका अरोड़ा का गाना बहुत अच्छा था। वैसे गाने कैसे हैं? नहीं यार, मतलब ऐसे नहीं है कि इनको डाउनलोड करके सुना जाए, समझ रहे हो? जैसे भेड़िए के ट्रैक है भैया, जंगल में कांड हो गया, अभी तक गाता हूँ मैं ना, तो वैसा टाइप का नहीं। मतलब कितने स्टार दोगे 5 में से? 5 में से भाई मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा।